पाकिस्तान क्रिकेट में एंटरटेनमेंट कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता और इसकी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही खेमेबाजी। हर खिलाड़ी के अपने फेवरेट हैं, हर फेवरेट को लेकर उनका बैकअप है और खिलाड़ी भी मेक श्योर करते हैं कि जब हमारी सत्ता चले तो हमारा आदमी मैनेजमेंट में हो, हमारा आदमी कोचिंग स्टाफ में हो, हमारा आदमी जो है उसको लेकर हमारी लॉयल्टी। आप याद कीजिए पाकिस्तान क्रिकेट में बीते कुछ महीनों में कितना कुछ हुआ। पहले रवी जजा थे, फिर नजम सेठी आए, फिर कोई और व्यक्ति आए, फिर कोई और आए और ये सर्कस वहां चल रहा है और उसका असर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है वो गिरते गिरते ये हो गई कि वो यूएसए जैसी टीम से भी वर्ल्ड कप में हार गए और ग्रुप स्टेज से बाहर। लेकिन जो बदल जाए वो पाकिस्तान क्रिकेट का मैनेजमेंट कहा। रमीज रजा ने कहा है कि भाई साहब टीम बहुत अच्छी है, एक नंबर की टीम है, समस्या जो है वो खाली मैनेजमेंट में रही। मैनेजमेंट अच्छा होता तो टीम बढ़िया है। आप कुछ मत करो, आप रिजवान और बाबर से ही ओपनिंग करो, यही करेंगे। अब रिजवान और बाबर जिन्हें लेकर दुनिया भर ही क्रिकेट में चर्चा चलती है कि यार ये दोनों एक साथ ओपन नहीं कर सकते, एक आदमी ओपन करेगा चल जाएगा, लेकिन इनके साथ एक आदमी तेज होना चाहिए, फखर जमान जैसा होना चाहिए। लेकिन मसला कहां है कि फखर जमान को खिलाना नीचे है क्योंकि नीचे आकर बाबर और रिजवान में कोई खेल नहीं पाएगा। रमीज रजा ने अब पार्टनरशिप को लेकर डिफेंड किया है और कहा कि बाबर और रिजवान भले खराब खेल रहे, भले बाबर आजम साल 2022 से एक भी बड़े टूर्नामेंट में एक भी तमीज की पारी ना खेल पाए, भले ही मोहम्मद रिजवान एक भी ऐसी पारी ना खेल पाते हों जिससे मैच जीता जा सके, वो अपने लिए रन बनाते हैं, बढ़िया खेलते हैं लेकिन टीम हार जाती है, भले ही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो गई हो, भले ही ODI में उनकी टीम की हालत खराब हो, भले ही वो आयरलैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड की सी टीम से हार जाए, इंडिया से तो हारते ही रहते हैं, अमेरिका से हार जाए, लेकिन ओपनर नहीं बदले जाए। मतलब इस बार तो बदलाव की उम्मीद हो रही थी बिकॉज पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ था इनिशियल स्टेज में यूएसए और इंडिया से हारने के बाद, लेकिन रमीज भाई नहीं मानते। रमीज भाई कहते हैं कि यार बाबर और रिजवान बढ़िया है और रमीज भाई बाबर के फेवर वाले माने जाते हैं और इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि रमीज भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट का भी सोच लो, मतलब बाबर आजम कप्तान रहेंगे तो है बात ठीक है कि आपकी देर सवेर वापसी हो जाएगी, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट की वापसी होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत बड़ा है। वो कहते हैं यार कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया हो गया, रमीज रजा कहते हैं, लेकिन इन दोनों को ही मौका मिलना चाहिए, यही दोनों जो है ये पाकिस्तान को जा सकते हैं, इनकी टेक्निक जो है वो एक नंबर की है, ट्यूनिंग बढ़िया है, इनको बैक कीजिए, ये बैक करेंगे तो ये अच्छा कर जाएंगे। वो इंडिया के एग्जांपल भी देते हैं कि देखो जी इंडिया में खिलाड़ियों को बैक किया जाता है। अरे भाई साहब इंडिया में जिस विराट कोहली को बैक किया जा रहा था वो विराट कोहली 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2016 में नंबर वन प्लेयर था, 2019 में इंडिया के लिए नंबर दो रन बनाया था, 2023 वर्ल्ड कप का हाइएस्ट रन गेटर था, 2022 T20 वर्ल्ड कप में हाइएस्ट रन गेटर था। उसने बीते 8-9 वर्ल्ड कप में या तो वो नंबर वन रहा या नंबर दो रहा, वो विराट कोहली था इसलिए उसे बैक किया जा रहा था। उसने किया है भाई, उसने मैचेस जिताए हैं और उसने प्रूफ भी कर दिया, फाइनल मैच में फिर जिता दिया। विराट और बाकी लोगों की तुलना नहीं हो सकती है जिनको लेकर आप बाबर और रिजवान को ओपनिंग बचा रहे, मतलब ये कह रहे क्या, डाउट करने का फायदा क्या है? अब अगेन सारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि एक तरफ अहमद शहजाद जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट गर्दिश में चला गया, आपको अगर बाबर आजम और उनके टोले के 6-7 लोग को नहीं हटाओगे तो फिर नए लोग आएंगे नहीं, PSL में जो खेलते वो आएंगे नहीं, इनको जाना है नहीं, ये परफॉर्म करेंगे नहीं तो फिर मसला चलता रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में अब चेंज होना चाहिए, T20 क्रिकेट में थोड़ा नया स्टाइल आना चाहिए, नया कप्तान आना चाहिए, नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो जो वहाँ के फर्स्ट क्लास से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर PSL में छकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है घूम टहल के वही टीम होगी, एक दो आदमी आगे पीछे होंगे और बाकी कहानी जो है वो पूरी पूरी वही रह जाएगी। अब सवाल ये कि खेमेबाजी अच्छा है, मतलब पाकिस्तान में चल रही हमारी तो अच्छा है, अगला चैंपियंस ट्रॉफी है, रोहित भाई के नाम एक और ट्रॉफी होगी, हमारा क्या? उधर उनके चीफ सेलेक्टर साहब जाके मैच खेल रहे हैं, मतलब वो भी गजब है कि यार चीफ सेलेक्टर जाके थोड़े से पैसों के लिए मैच खेल रहे हैं, ठीक है एंटरटेनमेंट है क्या कर सकते, बट फिर सवाल वही है कि वाकई में बाबर आजम ओपनर के तौर पर सही है? मतलब वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में 122 रन बनाए थे उन्होंने, 120 बॉल, 122 रन 120 बॉल, आप याद कर लीजिए 2023 वर्ल्ड कप में भी नहीं चले थे, 2022 वर्ल्ड कप में भी नहीं चले थे,
एशिया कप में नहीं चले थे। क्या बाबर रिजवान वाकई में एक साथ ओपनिंग के तौर पर डिजर्व करते हैं या इन दोनों में T20 में एक ही की जगह बनती है? मेरे हिसाब से तो एक ही बनती है, दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। यू नीड एग्रेसिव प्लेयर इफ यू वांट टू चेंज द टेम्पो। इंडिया में भी देखो विराट जैसे खिलाड़ी को क्वेश्चन हुआ, रिटायरमेंट विराट ने ले ली, और अब अभिषेक शर्मा जैसे लड़के आ रहे जो धाकड़ खेलेंगे। पाकिस्तान को भी अपडेट होना पड़ेगा वरना नोकिया फोन बन जाएगा।